तो सर इंक्यूबेटर में देखो दो चूजे निकले, एक ये एक ये, इन दोनों का वेट चेक करते हैं। प्योर देसी चूजे कितने वेट के रहते बोल के निकले, जब अंडे में से बाहर निकलते ना तो कितने वेट के रहते एक बार देखेंगे दो चूजों का वेट। तो अभी देखो यहाँ पर दो चूजों को मैं ला लिया और इधर साइड पे मैं स्टार्टर फीड को 1 किलो स्टार्टर फीड माप लिया, बराबर इस तरीके से दिखता है। इनको यही खिलाने वाला हूँ मैं स्टार्टर फीड, डाइजेशन अच्छा होता, ग्रोथ भी अच्छे से होती चूजों की। तो मैं ये दो चूजों को अभी क्या करने वाला हूँ, वेट मशीन पे मापने वाला हूँ। चलो एक इधर से मैं इधर ले लिया, तो कितने ग्राम का है ये, 26 ग्राम्स का ये वाला चूजा है, 26 ग्राम्स। चलो इसको मैं ले ले रहा हूँ नीचे, फिर ये वाले चूजे को रख रहा हूँ इधर ऊपर। ये कितने ग्राम का चूजा है, 23 ग्राम्स का चूजा है ये। अच्छा याद रखो दोनों में डिफरेंस कौन सा है बोली तो, ये वाला थोड़ा लाल में है, ये वाला थोड़ा ब्लैक में है, इसके ऊपर जो लिख रहा है ये दो वाले। अभी ये दो चूज़ों को क्या करेंगे बोलता, हम इंक्यूबेटर में ही रखेंगे, दाना पानी ही रख कर, इस तरीके से दाना मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ। तो ये चूज़ों का पहला दिन कंप्लीट हुआ, यानी 24 आवर्स कंप्लीट हुआ। तो कंप्लीट होने के बाद एक दिन में कितना दाना खाए ये देखता मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया। एक चूज़ा 2 ग्राम खाना पहले दिन में, ये वाला स्टार्टर फीड खाया, ये दो, एक मिल्क एक दो खाया 2 ग्राम और एक दो खाया, 50 ग्राम दाना दिया था मैं, तो 46 ग्राम दाना अभी बच गया, तो एक चूज़ा 2 ग्राम दाना खाए जैसे। सो अर्ली मॉर्निंग हम क्या करें बोल तो, पीछे जो चावल देख रहे कन की चावल मिला के दे दिया लगभग एक 1.5 किलो समझो, 250 ग्राम्स। उसके बाद घर का बचा हुआ राइस जो भी है उसमें थोड़ा सालन मिला देखे, उसके साथ मकई प्लस मकई ऐड करें लगभग एक 850 ग्राम्स तलक। तो अभी मैं क्या करता हूँ बोलते, ये वाला फीड ओ भाई इनको खिलाता, कौन इंटरेस्ट है देखते है ना, तो इसी तरीके से रख देते ये, ठीक है यहाँ पे रख दिया भाई। दोस्तों एग्जैक्ट 21 डेट के दिन यानी परसों के दिन हमारे पास 4 अंडे निकले, और कल कितने निकले 22 के दिन में 4 अंडे निकले, तो आज 23 है, देखते हैं 23 के दिन 4 निकलते 3 निकलते या 5 निकलते, कितने निकलते ये देखते हैं। सो आज देखो ये हमारे मुर्गियाँ ना 3 अंडे दिए, कल 4 अंडे दिए थे, परसों भी 4 अंडे दिए थे, आज 3 निकले। कहीं को बोलते एक मुर्गी खुड़क हो गई, इनके ऊपर मैं डेट लिख कर क्या करता स्टोर करके रखता, कहाँ पे स्टोर करके रखता बोली तो चलो बताता मैं आपको, अच्छी जगह पे मटके में स्टोर करके रखेंगे, ऊपर से कुछ भी नहीं ढापेंगे। इधर साइड पे मैं मटका रखा ऑलरेडी, कल परसों के अंडे इसमें डाला, कितने अंडे दिखाई दे रहे अपन को, 8 अंडे दिखाई दे रहे, नंबर डेट डाल के रख रहा मैं, आज का डेट डाल के ये मटके में रख देता ये अंडों के साथ। कितने अंडे हुए, 8 और 9 10 11 11 अंडे हुए टोटल। अभी मैं अर्ली मॉर्निंग फार्म पे आया हूँ, आज क्या दिया हमारे बर्ड्स को बोलतो, ये वाले डब्बे में जो खा रहे ना ज्वारी के दाने और थोड़ा सा चावल दो मिला के दिए, एकदम परफेक्ट है, इसमें से देखो एक भी कमज़ोर नहीं है। ये सारे बैच को हम रखने वाले बड़े करने वाले, देखते हैं फिर ये कितने दिन में अंडे देना चालू करते बोल के। अभी तो मेरे ख्याल से 3.5 4 महीने के करीब के, 4 महीने के, और 2 महीने में अंडों का आएंगे या नहीं आएंगे देखेंगे। बट क्या है ना, स्टार्टर या लेयर मैश ग्रोवर ये कंपनी का फीड दिए तो अच्छी ग्रोथ में आते, जल्दी अंडे देते, और क्या है ना अंडों का साइज़ भी बड़ा सा आता, पर देखेंगे। अभी तो अपने पास हो गया स्टार्टर और ग्रोवर फीड हो गया, देखते हैं आने वाले टाइम में ला के डालेंगे या क्या करेंगे, देखते जाओ। आज के दिन तो हम ज्वारी और थोड़ा सा चावल मिला के दिए, और पानी में ब्रूटॉन वाला पानी दिए, पानी कहाँ पर रखे, इधर साइड पर यहाँ पे रहता ब्रूटॉन वाला पानी, ये हो गए के बाद और फ्रेश पानी डाल देंगे। अभी देखो यहाँ पर हमारे जगह ना क्या कर रहे बोलते,
अंडे देने के लिए मुर्गियां घास डाल रहे हो घास के ऊपर। भाई शोर देखो इनका कितना है। ये अंडे दो अंडे कल के अंडे हमारे जगह ना निकाले बोल रहे हैं तो। और आज अर्ली मॉर्निंग 9 बजे से पहले ही इसमें तो दो अंडे दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे ये दो अंडे ले ले रहा मैं। हाँ ये दो अंडों को मैं इधर साइड पे रख रहा। हम बोले तो मुर्गियाँ अंडे देने के लिए बुट्टियों में घास रेडी करके रख रहे। कीड़ा जर बैठ लाओ तो। हाँ बस हाँ ख़त्म। अभी मैं क्या करता बोली तो एक गंदा अंडा ले लेता। गंदा अंडा कहाँ है? ये वाला, ये गंदा अंडा है तो दांत लगेगा ना। ये गंदे अंडे को मैं इस पे रख देता, इसको देख के अंडे देना बोल के। और दूसरा इधर भी घास डाल रहे हैं हम। चलो एकदम फर्स्ट क्लास। తర్వాత ఎప్పుడు నీకు టైం ఉన్నప్పుడు ఏం చేయంటే ఇది ఇట్లా గట్టు గిన్నెల నుంచి తీసుకొని గట్లా దోస్తో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈ హారే పాస్ 3 అండే నికలే ఆజ్ ఏ బర్డ్స్ మే తో క్యా కర్తే బోల్తే శామ్ తలక్ ఔర్ భీ ఇంతజార్ కర్తే కుచ్ భీ అండే నికల్తే క్యా బోల్కే అభీ మార్నింగ్ సే దేఖో హమ్ క్యా దే రే బోల్తో ఏ వాలీ జవారీ ఔర్ చావల్ దో మిలేవా హై అసా డాల్ దో యేగా నా అసా డాల్ దో పూరా पूरा डाल दो खाने दबा के खाने अंडे देते। अच्छा हाँ उसे छिनक दो। हाँ हाँ बस चलो बस क्या करते शाम में आके 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ देते अंडे दबा के निकलते हैं। अभी मैं आज अंडे देखेंगे कितने निकले बोल के। यहाँ पर देखो एक टर्की मुर्गी अंडा दी, इसको इसी तरीके से रख रहा हूँ मैं। उसके बाद ये वाले डब्बे में देखो 2 अंडे दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे। ये 2 अंडे ले लेते हैं। इसमें तो कुछ भी अंडा नहीं दिख रहा। फिर इधर कुछ भी दिए क्या देखेंगे। इधर साइड पे भी उतने कुछ भी अंडे नज़र नहीं आ रहे। तो 2 अंडे फार्म के पास निकले। और थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, मुझे ना ये TVS राइडर ब्लैक कलर की लो या रेड कलर की लो, ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। क्योंकि अभी लेना है, क्योंकि अपनी जो पुरानी थी उसकी सर्विस ख़त्म हो गई। तो एक्चुअली फेवरेट तो ब्लैक कलर था, तो लाल कलर अच्छी दिख रही थी ये वाली राइडर की, तो ये ले लिए। अभी इसके लुक्स देखते हैं थोड़ा सा ये बैक की। तो अभी डिलीवरी होने के बाद इस तरीके का कुछ लुक दिख के आ रहा है इसका। और चलाने में बैठने में कम्फर्टेबल, मस्त है, परफेक्ट है। आप बताओ ब्लैक वाली लेना था या रेड वाली लेके ही अच्छा कराऊँगा। अगर मस्त है, दूर से भी बैठने वगैरह सब कुछ, फैमिली भी आराम से, आपकी मम्मी हो जाए या कोई भी हो जाए भाई, कौन भी हो आराम से बैठ सकते हैं। इसके अगले वीडियोस भी देने की कोशिश